नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की डिमांड चुनावों में बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने राजस्थान में भी चुनाव प्रचार के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। योगी को स्टार प्रचारक बनाने के पीछे हिंदू वोटों को एकजुट करना सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। यही वजह है कि योगी के भाषणों में अली और बजरंगबली छाए हुए हैं। लेकिन मंगलवार को अलवर की मालाखेड़ा रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ के बजरंगबली पर दिए बयान को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। हम सबका संकल्प बजरंगी संकल्प होना चाहिए, बजरंगबली का संकल्प। बजरंगबली भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं और इसलिए बजरंगबली का संकल्प होना चाहिए। मालाखेड़ा रैली में दिए इसी बयान की वजह से योगी आदित्यनाथ पर बजरंगबली को दलित कहने के आरोप लग रहे हैं, तो वही राजस्थान के ही एक संगठन सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से नोटिस भेजकर योगी आदित्यनाथ से माफी मांगने को कहा गया है। जिस बयान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर बजरंगबली को दलित कहने के आरोप लग रहे हैं, अगर इसे दोबारा सुने तो साफ नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बजरंगबली ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सबको जोड़ने का काम बजरंगबली करते हैं। बयान में साफ नजर आ रहा है कि सीएम योगी बजरंगबली को वनवासी और गिरवासी बता रहे हैं, जो दलित और वंचित तबके समेत पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जोड़ने का काम करते हैं। गिरवासी और दलित बोलते वक्त दोनों शब्द के बीच ठहराव और बोलने के प्रवाह से भी साफ नजर आ रहा है कि योगी के बयान में दो अलग अलग वाक्य बोले गए। सबका संकल्प बजरंगी संकल्प होना चाहिए, बजरंगबली का संकल्प। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं और इसलिए बजरंगबली का संकल्प होना चाहिए। राम काज कीन्हे बिनो मोई कहां विश्राम। जब तक राम का काज नहीं होगा, और हमारा संकल्प होना चाहिए जब तक राष्ट्र का काज न हो तब तक विश्राम नहीं लेंगे। चुनाव के दिन यहां पर उपस्थित हर एक मतदाता, हर एक कार्यकर्ता, पांच पांच नए मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर मतदान करने के लिए तैयार करें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मास्टर राम किशन जी के सामने कांग्रेस समेत सभी दलों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल चुनाव चिन्ह लेकर के पुनः विकास की नई ऊंचाइयों को लेकर के कार्य करेगा। हालांकि इस बयान को इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे बजरंगबली को दलित कहा गया हो। वैसे आपको बता दें कि सीएम योगी चुनाव प्रचार में बजरंगबली का नाम लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता कमलनाथ का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मुस्लिम समुदाय से 90% वोटिंग करने की अपील कर रहे थे। इसी वायरल वीडियो के बहाने योगी ने कांग्रेस पर तंज कसा था कि उन्हें अली मुबारक, हमें तो बजरंगबली चाहिए।